गांव के हिसाब से कैसे बनाते हैं तो आप लोगों को। तो यहाँ पे मैंने सिरका लिया है, तो ये सिरका हमारा 4 लीटर है, तो मैं इसे गर्म कर लूँगी, उबाल लूँगी, तब उसे ठंडा करके हम बनाएंगे। तो इसे गैस पे हम चढ़ा देते हैं। तो हमने यहाँ पर गैस पर रख दिया है, इसे एक उबाल आने तक हम गर्म करेंगे। ये देखिए सिरका हमारा उबलने वाला है, और जो इसमें ये देखिए झाग की तरह है, ये इसका कचड़ा है, तो इसे इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये थोड़ा कचड़ा टाइप का है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। इस तरह से इसे निकाल लिया जाता है, तो सारा हम इसी तरह निकाल लेंगे। और बस एक उबाल, ये देखिए उबलने लगा, उसके बाद में हम इसे उतार लेंगे। ये देखिए सिरका हमारा उबलने लगा, बस देखिए उबाल मारने लगा, सिरका हमारा उबल चुका है। अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और इसे उतार लेंगे। सिरका हमारा ठंडा हो गया था, तो हमने इसे डिब्बे में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम आगे बनाने की विधि स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया है तेल। तो तेल में हम थोड़ा सा डाल देंगे हींग। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 चुटकी हींग लिया है, और देखिए हल्का में कटहल को डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कटहल को काट कर और हल्का सा उबाल कर इसे 4 दिन धूप में हमने सुखा लिया था। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल देते हैं और इसे हल्का सा हम भूनेंगे, रोस्ट करेंगे, जिससे इसका स्वाद अच्छा आए। भून कर हम डालेंगे देते हैं कटहल को। ये देखिए कटहल हमारा भून चुका है, तो इसे हम थाली में निकाल देंगे। ये देखिए इसे थाली में, देखिए थाली में हम कटहल को निकाल लेंगे और इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर हमने वापस से तेल डाल दिया है कढ़ाई में, और यहाँ पर भी हम हींग डाल देंगे। तो हींग हमने यहाँ पर 2 चुटकी के बराबर यहाँ पर भी हींग लिया है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये देखिए मूली लिया हुआ है। तो ठंडियों के मौसम में जब मूली ज़्यादा आती थी, तो मैंने इन्हें सुखवा कर और धोकर अच्छे से काट कर सुखा कर इसे स्टोर करके रख लिया था। मैं इसे भी उसी कटहल की तरह भूनूंगी। कढ़ाई में हम डाल देते हैं और मूली को भी हम भून लेंगे। देखिए मूली को भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है, बस इसमें थोड़ा सौंधापन आ जाए बस। ये देखिए मूली भी हमारी हो चुकी है, तो इसे भी हम एक थाली में ट्रांसफर कर देंगे। तो फिर हमने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है, तो यहाँ पर हमने फिर 1 चुटकी के बराबर हींग ले लिया है, और यहाँ पर लहसुन लिया है हमने। तो लहसुन को हमने छील लिया है, ये लहसुन हमारा होगा 1/2 भर होगा, 1/2 या 1.5 भर। तो इसे भी हम भून लेते हैं, इसे भी हमें हल्का सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो ये देखिए लहसुन हमारा रोस्ट हो चुका है, इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, तो हम भून चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए लाल मिर्च ली है खड़ी, तो इसी में डाल दूंगी और हल्का सा इसे भी सौंधा कर लूँगी। बस करना है हमें, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो बस इसी तरह हमने भी इसे थोड़ा सा सेक लिया है मिर्च को भी, और हम इसे कढ़ाई से निकाल कर दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। तो हमने सभी सामग्री तैयार कर ली है सिरका बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने लिया है खड़ा धनिया, तो इसे मैंने भून लिया था, तो इसे मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पर मैंने देखिए 1/2 कटोरी धनिया लिया है, तो इसी सिरके में हम डाल देंगे
और यहाँ पर हम मैंने सौंफ लिया है आधी कटोरी से कम, तो इसे भी इसी में डाल देंगे। यहाँ पर हम खड़े मसाले डाल रहे हैं और अब हम डालेंगे पीसे हुए मसाले। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, धनिया को मैंने भून लिया था और इसे मिक्सी में पीस लिया था, तो इसे भी इसी में डाल देते हैं। और मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। ये भी आधी कटोरी से कम है। और यहाँ पर मैंने सौंफ का पाउडर लिया है, तो जितने मैंने खड़े मसाले डाले थे उतना ही मैंने यहाँ पर पिसा हुआ मसाला लिया है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं इसी तरह से सिरका बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो मैंने लाल मिर्च और लहसुन लिया था, तो इसे मैं इसे भी डाल दूँगी। तो अभी ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो इसे साइड में थोड़ा सा रख देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मैंने कटहल को भुना हुआ था वो भी ठंडा हो चुका है, तो इसी में हम सिरके में डाल देंगे। तो ये देखिए, सारा कटहल हमने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर लिया हुआ है मूली, जो मूली हमने भुना था, तो ये भी हमारा ठंडा हो गया, इसे भी इसी में हम डाल देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने जो लहसुन और मिर्चा लिया था, तो ये ठंडा हो चुका है, इसे भी हम इसी में डाल देंगे, तेल सहित डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं हींग थोड़ा सा और डाल दूंगी, तो हींग का फ्लेवर इसमें थोड़ा ज़्यादा आएगा तो अच्छा लगेगा, तो इसमें मैं डाल देती हूँ। नहीं तो आप लोग कहेंगे कि कितना हींग डालोगी, तो हींग इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहीं पे मैं अब लास्ट में डाल देती हूँ इसमें नमक। तो नमक मैंने आधा कटोरी लिया है, तो सभी सामग्री मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर इतना तेल लिया है, तो तेल को मैं डाल दूँगी। तेल मैंने गरम करके और ठंडा करके लिया है, तो इसी में हम डाल देते हैं। ये देखिए, हमने सभी को मिक्स कर लिया है, हमारा सिरका बनकर रेडी हो गया है। तो हमारे यहाँ यूपी में सुल्तानपुर में इसी तरह बनता है सिरका, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ अपनी सासू माँ की तरह। तो अब ये हमारा सिरका बन गया है, ये कम से कम 10 दिन में खाने लायक होगा रेडी। तो मैं एक बार बना लेती हूँ, तो साल भर इसी तरह हमारे बच्चे और घर में सभी लोग खाते हैं। तो आज का मेरा ये सिरका बनाने का आइडिया कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते रहेंगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।